हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। आज तक हिंदी राजेश्वरी मैम ले रहे हैं, अब हिंदी मैं ले रही हूँ। माई सेल्फ नीमा प्रजापति, आपका सेकंड स्टैंडर्ड का हिंदी अब मैं लूंगी। तो बच्चों, सेवन चैप्टर तक का आपका फिनिश हो गया होगा। अब हम एट चैप्टर पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है हाथी की बात। चैप्टर ए, हाथी की बात। रेडी हो गए बुक नोटबुक पेंसिल लेके? तो इसमें हम जानेंगे हाथी के जीवन के बारे में, कि हाथी कैसा था, क्या करता था, क्या है वो। महावत की भूमिका, जो हाथी को संभालता है उसको महावत बोलते हैं। तो उसकी भूमिका क्या है, वो क्या करता है। लिंग का ज्ञान, लिंगों का ज्ञान के और वार्तालाप के बारे में हम जानेंगे। उसके बाजू में चित्रों को देखकर हाथी के अंगों के पर घेरा लगा बना, तो जो हाथी के अंग है उसके हमको गोल करना है, समझे। अब हम ये कहानी सुनेंगे। रेडी हो जाइए कहानी सुनने में। सबको कहानी तो अच्छी लगती है बच्चों को। तो आज हम हाथी के बारे में पहले जानेंगे कि बच्चों, मैं हूँ गजानन, मैं गजानन हूँ, मैं हूँ एक हाथी। हाथी क्या बोल रहा है, मैं हूँ एक हाथी। मेरे चार पैर और दो बड़े बड़े कान हैं। हाथी क्या बोल रहा है, मेरे चार पैर हैं और दो बड़े बड़े कान हैं। मेरे पास एक लंबी सूंड है। हाथी बोल रहा है, मेरे पास एक लंबी सी सूंड भी है। हाथी तो सबने देखा ही है, और बुक में भी चित्र में हाथी है, आप देख सकते हो। इसकी मदद से मैं अपना भोजन में डरता हूँ। जो सूंड है हाथी की, उसकी मदद से वो जो भी भोजन करना है उसे तो वो सूंड के द्वारा अपने मुंह में डालता है। इसी सूंड की मदद से मैं लकड़ी उठाने जैसे भारी काम भी कर सकता हूँ। तो सूंड की मदद से हाथी क्या करता है, लकड़ी जैसे भारी कोई भी काम हो वो अपनी सूंड की मदद से वो कर सकता है। अब मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने परिवार के बारे में बताऊंगा कि मेरे परिवार में कौन कौन है। मैं अपने परिवार के साथ एक बड़े से मंदिर में रहता हूँ। हाथी कह रहा है कि वो उसके परिवार के साथ एक बड़े से मंदिर में रहता है। यह मंदिर केरल के कोच्चि शहर के पास है। ये मंदिर कहाँ है, केरल है, वहाँ के कोच्चि शहर है, इसके पास है। मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथी बोल रहा है इसे पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथी वो बोल रहा है कि मुझे पानी में खेलना बहुत, आपको भी पानी में खेलना पसंद है ना, बारिश आती है तो भाग जाते हैं तुरंत बाहर खेलने, वैसे तो हाथी को भी पानी में खेलना बहुत पसंद है। हमारे मंदिर के पास एक नदी है। वहाँ मंदिर में रहते हैं सब आदमी, तो उस मंदिर के पास एक क्या है, नदी है। हम सभी एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। तो सब हाथी क्या कर रहे हैं, एक पंक्ति बनाकर वहाँ नहाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, नहाने। पंक्ति मतलब कतार, लाइन बनाते एक साथ। वहाँ बहुत सी तितलियाँ और चिड़िया देखने को मिलती है। वहाँ क्या मिलता है, तितलियाँ और चिड़िया। चिड़िया भी आपने देखी होगी, तितलियाँ भी आपने देखी होगी। तो वहाँ हाथी को वो सब देखने को मिलता है। नदी में बहुत सी मछलियाँ भी है। नदी में क्या है, बहुत सारी मछलियाँ भी है, जो हाथी वो सब देख कर बहुत खुश होता है। यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। हाथी ये सब देखकर, क्या क्या देखकर, बहुत सारी तितलियाँ, चिड़िया और मछलियाँ देखकर हाथी बहुत खुश होता है। गेंद से खेलने में तो मुझे बड़ा मजा आता है। गेंद होती है जो दड़ी होती है, तो बॉल होता है, इससे खेलने में हाथी को बहुत मजा आता है। मैं अक्सर गाँव में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। हाथी क्या बोल रहा है, मैं अक्सर गांव में बच्चों के साथ क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है। हाथी भी फुटबॉल खेलता है, बोलो तो। आप लोग तो खेलते ही होंगे, खेलते हो ना वैसे। क्या तुम जानते हो
हम जंगलों में भी रहते हैं। क्या तुम जानते हो हम हाथी जंगलों में भी रहते हैं। भारत में हम ज्यादातर त्रिपुरा, असम, केरल और मैसूर के जंगल में पाए जाते हैं। तो भारत में हम कौन से जंगल में रहते हैं? तो असम के, त्रिपुरा के, केरल के और मैसूर के जंगलों में हम मिलते हैं, आपको देखे जाते, पाए जाते हैं। तो जंगल में हम अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। झुंड में मतलब हाथियों के समूह में, हाथियों का जो समूह होता है उसमें इनको रहना पसंद है। यदि कोई हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाए, मतलब कि यदि कोई हाथी उनके झुंड से अलग हो जाए तो उनको अच्छा लगता नहीं है, वो घबरा जाते। हाथियों के झुंड का नेता हाथी सबसे आगे चलता है। हाथी है उनका जो बड़ा नेता होता है, जैसे हमारे स्कूल में बड़े कौन होते, प्रिंसिपल होते, वैसे तो वहाँ हाथियों के झुंड का नेता सबसे बड़ा होता है, तो वो सबसे आगे चलता है। क्या करता है? सबसे आगे चलता है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको ये वार्ता पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और आगे हम पार्ट टू में ये वार्ता आगे पढ़ेंगे। बराबर, आप रेडी रहना, ये पार्ट वन है और अब पार्ट टू हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।